दामोदर दास मोदी उसमें हिम्मत है तो करके दिखा मेरे खिलाफ कार्रवाई, मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइयो, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। साथियों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो तुम नहीं हो, तुम्हारी तबाही है। ईवीएम नहीं है तो ही देश बचेगा, तो ही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा, उसके बाद ही अधिकार की बात करना। अबे जिंदा रहोगे तो अधिकार मांगोगे ना। आपको मालूम होगा बड़ा हल्ला मच रहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक और बीजेपी के जो एमपी है उसके माध्यम से पास बनवाए गए उन लोगों के, जिससे वो अंदर पहुंचे, और उसी दिन दो महत्वपूर्ण कानून पास कर दिए गए और आप इसी सुरक्षा में अटके पड़े। एक इलेक्शन कमीशन को अधिकार दे दिए और दूसरे अगर आर्थिक स्थिति के विषय में कोई भी बोलेगा तो उसे आतंकवाद माना जाएगा, ये कानून पास हो गए। 146 जो सांसद हैं विपक्ष के उनको निष्कासित कर दिया और उसके बाद में संसद में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी इन तीनों पर बिना विपक्ष के हुए, बिना चर्चा के उन्हें पास करने की सारी व्यवस्था कर दी। आपको नहीं समझ में आ रहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस सरकार के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है उसकी रणनीति क्या है, वो कैसा छल कपट से भरा हुआ व्यक्ति है, किस तरह की चालें वो चल रहा है। आप अधिकार मांग रहे हो, पहले बचोगे तो अधिकार बचेगा ना, अधिकार मांगोगे। और मैं यूं नहीं समझता कि अधिकार मांग रहे हैं, मैंने तो यही सुना, यहां बैठे हुए लोग हैं उनके मुंह से भी कई बार सुना कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते, तो फिर मांग क्या ही करे यार मेरे। मतलब बड़ी अजीब अजीब सी स्थिति मुझे नजर आती है। साथियों, आपका कुछ नहीं बचेगा अगर आपको विश्वास नहीं है। जो सोशल मीडिया में बहुत गहनता से लोग रिसर्च कर रहे हैं और अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं, उनको सुनो। आप सब कुछ पूरी तरह से तबाह करने का इंतजाम कर लिया गया है और ये सब कुछ कानूनी रूप से होगा, ये गैर कानूनी रूप से नहीं होगा। संविधान में, कानून में परिवर्तन करने के बाद पूरा देश पुलिस राज्य में बदल दिया जा रहा है और उसके बाद पुलिस के माध्यम से आपकी गर्दन काटी जाएगी, आप चुप भी नहीं कर सकेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इस मोदी को, इस मोदी सरकार को जब तक आप पूरी तरह से अंधकार में दफन नहीं कर दोगे, पाताल की गहराइयों में दफन नहीं कर दोगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। मिलेगा तो दूसरी बात है। अभी एक रिपोर्ट आई है, अभी आदरणीय राजनपाल गौतम जी ने जो बताया, आपको इससे नहीं समझ में आता कि 2.25 लाख स्कूल बंद हो गए, ये क्या है। और जो 2020 में नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अनुसार क्या है, हर चीज को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, हर चीज को। और जब सारी चीजें प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, तो कहां से तो आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे कहां से पढ़ेंगे, कहां से आपको जानकारी मिलेगी, कहां आप नौकरियों में आ सकोगे, कहां व्यापार में जा सकोगे, क्या कर सकोगे, कुछ भी नहीं। साथियों, तो ये जो सारी चीजें हैं जिस तरह से की जा रही है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा, अपनी आंखें खोलो और सबसे पहले इंतजाम इस सरकार को सत्ता से हटाने का करो। और साथियों, वो तभी संभव है जब ईवीएम को आप हटा पाएंगे, उससे पहले संभव नहीं है। मेरा एक ये सवाल है, अभी माननीय राजनपाल गौतम जी ने कहा कि जो पर्ची है वो पर्ची आप हमें दो, बैलेट पेपर में डालेंगे, फिर उसकी गिनती होगी। मैं आप सबसे पूछता हूं, यहां से सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछता हूं, मेरी वीडियो देखी होगी, हाई कोर्ट के जजों से पूछता हूं, यहां जज साहब बैठे हैं इनसे पूछता हूं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर से बैठता हूं, एक आदमी एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको छोड़कर ये बता दे कि ईवीएम कैसे काम करती है, एक भी व्यक्ति बताए कैसे काम करती है, मालूम है किसी को? किसी को मालूम नहीं है। तो क्यों हम पर्ची के चक्कर में पड़े, क्यों हम किसी चीज के चक्कर में पड़े,
यह सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है कि देश में 90 करोड़ से ज्यादा लोग मतदाता है, सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, सब लोग हैं। उसके बावजूद 99% देश के मतदाताओं को यह पता नहीं है कि वोट जो डाली जा रही है उसका माध्यम क्या है, वो वोट मुझे पता क्यों नहीं लगती। बड़ी अजीब स्थिति है। 3 मशीनें हैं, एक है कंट्रोलिंग यूनिट जिसकी गिनती होती है, जिसमें वोट जाने की बात कही जाती है, एक है बैलेट यूनिट जिसमें मैं बटन दबाता हूं, और एक है आपकी वीवीपैट जिसमें आपको पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है। यह बताना कितने लोग हैं जो 7 सेकंड में पर्ची देख पाते हैं? देख पाते 7 सेकंड में? नहीं देख पाते। और उसकी कभी गिनती नहीं होती, जो पर्ची असली अगर वोट मारी जाए तो वही है ना, उसकी कभी गिनती नहीं होती। गिनती किसकी होती है? उसकी जो कंट्रोलिंग यूनिट है जिसमें आपने कहा जाता कि आपकी वोट उसमें गई। आपको नहीं पता आपकी वोट गई है, किसको गई है, कहां गई है, कुछ नहीं पता। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर सारे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दो, इसी माध्यम से लगातार चुनाव कर रहे हैं, इलेक्शन वोट डालते चले जा रहे हैं। यह सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है? मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस जो पार्टी है, और कांग्रेस के साथ साथ में जितनी भी इंडिया गठबंधन में ये 27-28 पार्टियां हैं, क्यों नहीं सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम भाग नहीं लेंगे, चुनाव होने नहीं देंगे। और आप समझ लो, अगर आप ये नहीं करेंगे आंदोलन तो इसके बाद कुछ बचना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी सारी तबाही का नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा मेरे खिलाफ कार्रवाई, मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइयो, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। साथियों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो तुम नहीं हो, तुम्हारी तबाही है। ईवीएम नहीं है तो ही देश बचेगा, तो ही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा, उसके बाद ही अधिकार की बात करना। अबे जिंदा रहोगे तो अधिकार मांगोगे ना, जिंदा ही नहीं रहोगे तो काहे के अधिकार है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ईवीएम के मुद्दे को पहला मुद्दा बनाकर इस पर संघर्ष कीजिए, सड़क पर आइए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, नेता है, सबको कहिए कि यह आम है। हालांकि इनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सभी नेताओं के रहते हुए आपके तमाम अधिकार कानूनी रूप से इसी संसद में, विधानसभाओं में खत्म कर दिए गए, और ये मुर्दे जरा भी कुछ नहीं कर पाए। सारे के सारे, चाहे 131 को हो या बाकी और जितने भी है, जो कहना है कह लो, लेकिन इनके रहते हुए सब कुछ हो गया। और पार्लियामेंट में आज की तारीख में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, मैं यही शब्द बोलूंगा, गुंडागर्दी जो चल रही है, ऐसी गुंडागर्दी लोकतंत्र में, किसी संसद में, किसी विधानसभा में आज तक कभी किसी ने ना देखी, और ना ही कभी किसी सरकार ने ऐसी की जैसी हो रही है। इससे बचने का रास्ता केवल और केवल सड़क। देश की अदालतें, हम भी अदालत में रहते हैं, देश की अदालतें, मैं बिल्कुल खुलेआम कह सकता हूं, अब इस काबिल नहीं रही कि लोगों को बचा सके, देश के संविधान की रक्षा कर सके, आपको आपका अधिकार दिला सके। और जब अभी जज साहब कह के गए कि जून 18 में जब 2-4 जजेस बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने भी तो पब्लिक से कहा था कि लोकतंत्र खतरे में, तो तब भी नहीं समझे। साथियों, जो स्थिति है, केवल और केवल देश की जनता सड़क पर आएगी तो ही देश बचेगा, अन्यथा कुछ बचना नहीं। मैं एक सूचना आपको देता हूं, शायद आप लोग साथ दे पाए हमारा, 6 जनवरी को इसी जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने के लिए हमने कॉल दी है, देश भर से लोग आ रहे हैं, इस बार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है और जो नेता है, सारे के सारे, मेरा अभी साहब आपको निमंत्रण है, सारे के सारे 6 जनवरी को यहां आए। साथियों, मेरी बेटी की शादी नहीं है, मेरे बेटे का भी यहां नहीं है, जनता की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। अगर वाकई में आप चाहते हो देश को बचाना, बच्चों को बचाना है, आना पड़ेगा आपको, और नहीं आते हैं तो फिर कहिए मत कि आपके अधिकार लुट रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 6 जनवरी 2024, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम।